Hi everybody, so today we are talking about the topic electric dipole. Very very important topic. और आप इस पर स्टार मार्क करके लिख लीजिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है डेरिवेशन के तौर पर या क्वेश्चन के तौर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, देखिए सिंपल सा समझिए। आपके पास एक पेयर ले लीजिए चार्जेस का, और पेयर भी इस टाइप का कि उनमें अपोजिट चार्जेस हो, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस, और जो कि हम सेपरेट करके रखते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस पे, मतलब कि मान लेते हैं हम उसको बहुत छोटी सी डिस्टेंस पे सेपरेबल करके रखते हैं, सो उसको भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ से अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसको सेपरेट कर रखा है कि स्मॉल डिस्टेंस से। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 2a क्यों लिया, a भी ले सकते थे। बिल्कुल आप a ले सकते थे, बट जब आप कैलकुलेटिव प्रोसेस की तरफ जाएंगे वहाँ पर a को आपको हाफ हाफ में डिवाइड करना पड़ जाएगा, a बाई टू हो जाएगा, a बाई टू हो जाएगा, और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसी कारण हम यहाँ पे 2a लेते हैं, 2a ले लीजिए, 2a ले लीजिए, 2r ले लीजिए, तो इस टाइप से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई वी हैव टेकन 2a। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, एक पेयर ऑफ चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, जिसको हम सेपरेट करके रखते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस से, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जैसे नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आता है, तो मूवमेंट्स आप समझ जाते हैं कि इसका हम स्ट्रेंथ निकालने जा रहे हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, तो ये हमें बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको हम मेजर कर सकते हैं किससे, मल्टीप्लाई करके आइदर चार्ज, मतलब या तो ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ऐसा नहीं कि आप सीधा विद साइन ले रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी में आप स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते, मतलब रख नहीं सकते, तो दैट्स वाई वी हैव टेकन ओवर मैग्नीट्यूड, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। हमने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 2a। सो यहाँ पे हमारे पास डाइपोल मोमेंट को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, p से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इज इक्वल टू q क्रॉस 2a। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है आप ऐसे भी समझ सकते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने लास्ट अपनी वीडियो में देखा था कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो इधर इस डायरेक्शन में होगा, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। अब हमें सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे देखनी है वो देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। हमारे पास एक डायपोल है जिसका एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। आप पॉजिटिव चार्ज देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट पर रखा है और बी पॉइंट पर रखा हुआ। अब जो चीज़ है एक्सियल पोजीशन पे, हम सबसे पहला जो यहाँ पे निकालने जा रहे हैं वो एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन होती क्या है समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्सियल पोजीशन जो होती है वो होती है आपकी विद द एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस पर आपका डायपोल रखा हो उसी एक्सिस पर हमें किसी एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे हम लेट कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, ए बी हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और पी बी एनी पॉइंट ऑन एट द एक्सिस ऑफ डायपोल एट इंस्टेंट आर। मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो डायपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो यहाँ पे सबसे पहले आप E1 देखिए, E1 किसके कारण है, E1 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कारण है। अब जो P पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं वहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेरिजन टू द सोर्स चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें इवन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इवन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण है। अब ये भी पॉजिटिव तो यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा और ये चार्ज इधर चले जाएगा। ठीक है, इस पर फोर्स इधर लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ई, अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था वहाँ पे 1/4πε0 क्यू, मतलब जो सोर्स चार्ज है, अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है वो है एल, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है आर, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो मैं आर माइनस एल लिख सकता हूँ, और आर माइनस एल द होल स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, पी अलोंग ई, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि आप देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो पी है वो अलोंग कर रहा है ई की डायरेक्शन में। ठीक है, ई की डायरेक्शन में अलोंग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो E1 है वो ग्रेटर देन होगा E2 से। अब जो E2 है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और वो जो होगा स्मॉल होगा एज कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E1।
ठीक है, क्योंकि ई वन आप देखेंगे रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए देखिए लेंथ कितनी बड़ी है और रिपल्शन के देखिए कितनी शॉर्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे हमारा ई टू जो आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल द होल स्क्वायर आएगा। अब आर प्लस एल कैसे आया आप यहाँ पे देखिए, अब आप जब यहाँ पे देखेंगे हमें कहाँ से चाहिए, इससे लेकर यहाँ तक के हमें डिस्टेंस चाहिए और यहाँ से यहाँ तक के हमारे पास डिस्टेंस है, तो यदि मैं इस आर में इस वाले डिस्टेंस में एल ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। सो उसी के कारण से हमारा यहाँ पर आर प्लस एल द होल स्क्वायर आ जाएगा और पी इज एंटी पैरेलल टू ई हो जाएगा। ठीक है, या पी एल ओ आप वो मतलब अपोजिट टू दैट कह सकते हैं। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अब आप यहाँ पे देखिए, अभी मैंने जब आपको यहाँ पे ये बताया तो यहाँ पे मैंने सबसे पहली चीज़ आपको ये बताई कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई फर्स्ट मतलब जो पॉजिटिव चार्ज के कारण है वो इज ग्रेटर देन है एज कम्पेरिजन टू द नेगेटिव चार्ज के कारण। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके कारण हमारा ई वन ग्रेटर देन हो जाएगा ई टू से। यदि मैं नेट निकालना चाहता हूँ इस पॉइंट पर तो मैं बड़े में से छोटा माइनस कर दूंगा, मतलब कि ई वन में से माइनस कर दूंगा ई टू। तो यहाँ पे सिंपल से मैंने कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो ई नेट निकाला वो ई वन माइनस ई टू आ जाएगा। दैट इज यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर वाली जब दूसरी भी क्वांटिटी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल द होल स्क्वायर आएगी तो q/4πε0 मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो सिंपल से मेरे अंदर यहाँ पर ब्रैकेट में जाएगा। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो q/4πε0 एज इट इज रहेगा और फिर यहाँ पे सोल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, और यहाँ पे जब आप देखेंगे एलसीएम लेंगे सिंपल से इसके कैलकुलेशन होंगी, यहाँ पे आप इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे यहाँ से भी और विद नेगेटिव साइन आपके कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपल से एक्सप्रेशन जो आ जाएगा ई नेट का वो q/4πε0 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी मैंने आपको बता के भैया जो आपका पी होता है, पी जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है, वह होता है आपका आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही तो होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास 4RL है और Q है, मतलब आइदर चार्ज तो मिल गया, मतलब एक चार्ज आपको मिल चुका है लेकिन 2L चाहिए, तो इसको 2R अलग इंटू 2L अलग लिख सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 2R इंटू 2QL बच जाएगा और इसको मैं P लिख सकता हूँ, इसको P लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 2PR बच जाएगा और 1/4πε0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे हम कंसिडरेशन करके चलते हैं, ठीक है, कि जो हमारा डिस्टेंस है बिटवीन द डायपोल, मतलब जो हमने शॉर्ट डिस्टेंस कही थी, ठीक है, वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस कही थी डायपोल के बीच में, एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास और एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, इनके बीच में जो हमने डिस्टेंस मानी हुई थी 2a, वो बहुत ही स्मॉल मान के चलते हैं, सो उसी के कारण हम आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर है उसको हम वेरी वेरी लेस देन कर देते हैं आर स्क्वायर से। कहने का मतलब सिंपल से ये है कि आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4πε0 2πR एज इट इज, और जब मैं L को खत्म कर दूंगा तो यहाँ पे R का स्क्वायर था स्क्वायर मतलब R की पावर 4 और एक R ऊपर है तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे R की पावर 3 बच जाएगी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा ऑन द एक्सेल पोजिशन, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका एक नेगेटिव चार्ज इधर, एक पॉजिटिव चार्ज इधर और एक पॉइंट आपका P इधर, जहाँ पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा, देखिए इसके बीच की हमने डिस्टेंस क्या मानी थी 2a और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस मानी गई थी वो r मानी गई थी, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब वेयर p इज द डायपोल मूवमेंट। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, साइन नहीं आने का सिंपल सा मतलब है कि जो आपका डायपोल मूवमेंट है वो अलोंग है टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस पे तो आप 3 marks लगा ही लीजिए क्योंकि डेरिवेशन में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। सिंपल सी देखिए, अभी मैंने बताया एक्सेल में हमने निकाल लिया क्या आया था हमारा एक्सप्रेशन 1/4πε0 2b/r³। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इक्विटोरियल पोजीशन निकालना है। इक्विटोरियल पोजीशन होता है सिंपल सा परपेंडिकुलर, या तो आपका यदि आपका एक्स एक्सिस में मैं आपका डायपोल लग देता हूँ तो या तो वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम P पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, या मान लेते हैं हम X एक्सिस है और ये हमारा Y एक्सिस है, तो यहाँ पे हम P पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल सा आपका जो डायपोल है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उनके बीच की डिस्टेंस 2a है और 2a का मैंने रीजन बता दिया है क्योंकि हाफ करने से कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसी कारण हम यहाँ पे 2a लेते हैं। यदि मैं इसको हाफ कर देता हूँ तो दिस इज a दिस इज a और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब कि डायपोल के मिड से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस r मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो जो हम डिस्टेंस लेते थे वो डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो हमारा चार्ज होता है
वहाँ तक की डिस्टेंस ले दी थी। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट ये है और चार्ज हमारे पास ये है, तो यहाँ ये डिस्टेंस ही ये वाली डिस्टेंस ही, तो ये वाली डिस्टेंस आप कैसे निकाल पाओगे? ये वाली सिंपल सी डिस्टेंस आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल सा एक्सप्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू मतलब ये डिस्टेंस जो भी होगी उसका स्क्वायर। यदि उसका स्क्वायर हटा, देखिए सिंपल सा एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ऑफ, ठीक है, आर है ये वाली चीज़ आर है हमारी, ठीक है, तो उसके बाद ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ एल, तो मतलब एम एम का स्क्वायर। अब मुझे एम की वैल्यू चाहिए तो एम की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। तो सिंपल से हमारे पास ये डिस्टेंस रहेगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड आर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस चीज़ को। और अब आप देखेंगे यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी आर है, ठीक है, तो सिंपल सी ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा विद दैट ट्राइंगल, तो यहाँ पे भी हमारी जो साइड आ जाएगी वो भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आप देखेंगे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज, हाँ पहली चीज़ हमारे, मैंने अभी आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है उसकी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव कहने का मतलब है यहाँ से इस डायरेक्शन, मतलब जो मेरा डायपोल मूवमेंट है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पे मैंने क्या बताया था पी पॉइंट पर हम क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से रिपल्शन क्रिएट होगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन के कारण आपका जो चार्ज होगा मतलब जो उस पर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इधर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो आपके कंपोनेंट ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका जो नेट आएगा वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, मतलब आप कह सकते हैं ई नेट जो आएगा वो आपका पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने एंगल लेट कर लिया थीटा, ठीक है, पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में आने वाला है, तो दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा, क्यों होगा थीटा, ये वाला थीटा, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों होगा, तो आप देख सकते हैं दिस वन मतलब आपका जो ए बी है वो पैरेलल है, यहाँ पे जो मान लेते हैं दिस इज एन, एन बी के पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल है, तो दिस इज अल्टरनेट एंगल के कारण ये आप थीटा होगा वो भी इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखेंगे हमारे दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, तो यहाँ पे भी ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये एंगल थीटा, तो दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाले एंगल थीटा, क्यों हुआ, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बताते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम इस टाइप से बताते हैं, कैसे कि यदि आप देखेंगे कि यदि हमारा ये एंगल तो इसके इक्वल होता है जो कि प्रॉपर्टी हमने यहाँ भी यूज़ करी, और यदि आपका कुछ एक एंगल यदि मैं बताऊँ, सो दिस वाला ये वाला एंगल जो होगा वो पर्टिकुलरली इस एंगल के इक्वल होगा, तो यहाँ भी सिमिलरली हमने यही देखा गया है। यदि मैं इसको पीछे एक्सटेंड भी करूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं दिस वन इज पैरेलल टू दिस, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे दोनों एंगल थीटा हो गए, तो अब देखो इस थीटा के कारण यदि मैं इस ई1 के कंपोनेंट ब्रेक डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ई1 कोस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे आप ई1 साइन थीटा हो जाएगा, और यदि इस कंपोनेंट के द्वारा ब्रेक डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ई2 कोस थीटा हो जाएगा, और इस कंपोनेंट के द्वारा यदि ब्रेक डाउन मतलब इसी कंपोनेंट के ब्रेक डाउन करूंगा तो यहाँ पे ई2 साइन थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस डायरेक्शन में है, और जो आपका ये वाला कंपोनेंट है ये आपका इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे E1 का यदि आप एक्सप्रेशन निकालेंगे तो 1/4πε0qr² + a² ये वाली डिस्टेंस, और सिमिलरली विद दैट, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, तो इनके कंपोनेंट जो आप ब्रेक डाउन होंगे साइन के रेस्पेक्ट में तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो नेट आएगा ई नेट E1 इक्वल टू E2 है, क्योंकि एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू E2 है, और यहाँ पर हमारा ई नेट इधर निकला है, ई नेट क्या होगा हमारा, ई नेट हमारा इक्वल होगा E1 को थीटा प्लस E2 को थीटा। आप देखेंगे हमारे दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं उस इसी डायरेक्शन में आए हैं, इसी डायरेक्शन में लॉन्ग हुए हैं, तो E1 प्लस E2 कर देंगे, मतलब E1 को थीटा प्लस E2 को थीटा कर देंगे, इसी डायरेक्शन में हम अलाइन कर देंगे तो हमारा ई नेट निकल जाएगा। अब सिंपल सा क्या होगा, हमारे पास E1 को थीटा हो जाएगा प्लस E2 को थीटा, तो 2E1 को थीटा हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि E1 और E2 को हम इक्वल बता सकते हैं, तो इसको मैं 2E1 को थीटा लिख सकता हूं, भाई ये इक्वल टू ई भी बोल सकते हो आप, लेट कर सकते हो, ठीक है, और नहीं करना तो सिंपल से आप एक भाषा में लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, तो E1 E2 इस E2 की जगह मैं E1 से रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहां पे 2E1 को थीटा आ जाएगा। अब E1 हमारे पास क्या है वैल्यू, ये वाली वैल्यू रख लो या ये वाली वैल्यू रख लो, बात एक ही है क्योंकि दोनों सेम है, यहां पे हमारा 1/4πε0qr² + a² हो जाएगा। अब यहां पे कोस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, भैया बहुत ईजी है, कोस थीटा तो आप यहां से निकाल सकते हैं। देखो कोस थीटा का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ध्यान से देखो कोस थीटा का हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप देखोगे बेस हमारे पास ए है और हाइपोटेनियस हमारी ये होती है,
ठीक है, तो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। तो ये वाली चीज हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा ये देखेंगे, यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे वन बाय टू हो जाएगी, तो यदि आप उसको ऐड करोगे तो थ्री बाय टू हो जाएगी। अब वही चीज़ हम करेंगे एक शॉर्ट डायपोल के लिए, हम इसकी जो लेंथ मान के चलते हैं इस डायपोल की, वो बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल मान लेते हैं, सो दैट्स वाई आपकी जो आर है वो ग्रेटर, वेरी मच ग्रेटर देन हो जाएगा ए, तो हम ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम ए को जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम ए को नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू है। अब आप देखोगे आर स्क्वायर 2 इंटू थ्री बाय टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 चले जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास r की पावर 3 बच जाएगी, तो r की पावर 3 बच गई। और ऊपर q इंटू टू ए को अभी मैंने बताया था कि हम डायपोल मोमेंट को इस टाइप से लिख सकते हैं, आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे की है, तो हमारा सिंपल से याद आएगा, तो हमारा 1/4 pi epsilon 0, इसको हम p लिख सकते हैं, यहाँ पे r की पावर 3 बच जाएगी, तो हमारा सिंपल सा एक एक्सप्रेशन ही आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का क्या उद्देश्य है, नेगेटिव साइन का उद्देश्य बेटा जी सिंपल ये है कि आप यहाँ से देखो, आपका जो डायपोल मोमेंट आया था उसकी डायरेक्शन मैंने नेगेटिव टू पॉजिटिव बताई थी, ठीक है। अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसकी डायरेक्शन पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में, आप देखोगे ध्यान से, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया दोनों कंपोनेंट को ऐड आउट करके वो इधर आया, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन इधर को, डायपोल की डायरेक्शन इधर को, तो दोनों एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल है, तो मैं इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब कि हमारा जो नेट एक्सप्रेशन आएगा वही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरह मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, और अभी भी यदि आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सजेशन दे सकते हैं, थैंक यू। तो यहाँ तक का यदि आपने वीडियो देख लिया और समझ में अच्छी तरह आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, पहले सबसे पहली चीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, थैंक यू।